इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाने के बाद आयशा खान फिर भी मुनव्वर के पास में ही बैठी है। मेरी नजर किसी चीज के ऊपर पड़ी तो चलिए आपकी भी उसी चीज के ऊपर नजर थोड़ी डलवा देते हैं कि आपको भी नए साल में कोई नई सी गॉसिप सुनने के लिए मिले और आप लोग जो है हर पूरे साल गॉसिप सुनते रहे मेरे मुंह से और मैं पूरा साल जो है गॉसिप करती रहूं। तो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत 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 बधाई हो और आप जो भी रेजोल्यूशन लो उसको पूरा कर पाओ और जोर से पूरा कर पाओ और हंसते रहे मुस्कुराते रहे। प्रॉब्लम्स आए तो उनको हंसते मुस्कुराते हुए दूर करें अपने आप से और लोगों का भला करें और खुद का भी भला होने दें। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मुझे न्यू ईयर भी विश कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने प्यारा सा न्यू ईयर आपको विश किया है। तो जब नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस ने पूछा कि भाई तीन कैप्टन जो कि करंट कैप्टन हैं औरा और एक्स कैप्टन हैं ईशा और मुनव्वर, वो किसको नॉमिनेट करेंगे, तो उस वक्त जब वो नॉमिनेशन के बारे में बता रहे थे तब और जब मुनव्वर बताता हुआ नज़र आया तब उस वक्त जो है मुनव्वर के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और उसके बाजू में ही जो है आयशा बैठी थी। अब आयशा तो घर के अंदर आई और बोल रही है बहुत झूठा इंसान है, क्या सब चीज़ें करता है, और अनुराग भी पंप भर रहा था कि भाई ये तो ना बहुत हंस रहा था तेरे जाने के बाद, मतलब कि मिर्ची जख्म के ऊपर और ज़्यादा मिर्ची छिड़कना वो तो इसका काम है, वो दिख गया, वैसे भी इसको कर्मा मिल गया, बाहर चला गया है और वैसे भी आयशा को भी कर्मा बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, बहुत बेकार आदमी है, मैं इसके हाथ की खिचड़ी नहीं खाऊंगी, मैं इससे बात नहीं करूंगी। तो अब बाजू में आके क्यों बैठी है, फिर दूर बैठती ना, वो बाजू तुझसे बात कर रहा है तू इग्नोर करके जा रही है, अब वो बाजू में बैठा था तो उठ के जाना कहीं दूसरी जगह पे बैठना, पर फिर भी ये बैठेगी तो वहीं पे ही। और तो और ऐसा मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में बात हुई है और कहीं ना कहीं क्या फिर से सुलह तो नहीं होगी अगर साथ में बैठे हैं, तो भाई इस चीज़ का भी मुझे डाउट लग रहा है। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर, और आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।